ब्रेक के बाद 7C के हिमाचल आजकल में आपका फिर से स्वागत है। रुक करते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ऊना के खानपुर में एक महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। खानपुर की 40 वर्षीय महिला प्रोमिला देवी का शव पुलिस ने उसी के घर से बरामद किया। मृतक महिला के घर वालों का कहना है कि घर से 45,000 रुपए की आभूषण भी चोरी हुए हैं। संदेह जताया जा रहा है कि चोरों ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। ऊना के खानपुर में 40 वर्षीय महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। परिवार वालों के मुताबिक रविवार देर रात मृतक का पति व बेटी घर के बरामदे में सो रहे थे, जबकि मृतक प्रमिला देवी घर के अंदर सो रही थी। सुबह जब 5 बजे घर के सदस्य उठे तो अंदर कमरे में प्रमिला की लाश पड़ी हुई थी और कमरे में सामान भी बिखरा पड़ा था। कमरे से 45,000 की नकदी व आभूषण भी गायब थे। परिवार वालों ने प्रमिला देवी की मौत पर हत्या का अंदेशा जताया है। उठ के देखे कुछ भी नहीं है, बाहर सुते असी लड़की मेरी अंदर पढ़ रही थी, लेकिन 10-11 बजे ना पढ़कर हटी, फिर बाहर आकर भी सो मैंने पखा लाता। पखा लाने के बाद फिर सानू है नहीं कख भी पता है क्या होया क्या नहीं होया। उस तो चक्कर आ रहे थे जब ही उठे, पता ही कुछ नहीं है। गल की चैनी है, कांटे है, 30,000 रुपया बैंक रुपया पता, 10-15 हज़ार का सामान और भी चलो मेरे पास। उधर महिला की लाश की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। ऊना के ASP राकेश कुमार का कहना है कि फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले की गुत्थी जल्द सुलझा दी जाएगी। अभी तक ऐसा है कि जो खानपुर गांव में एक महिला की जो लाश मिली है मृत अवस्था में ये पाई गई अपने घर के अंदर, तो इनके पति ने पुलिस को सूचित किया इस बारे में। पुलिस जो है वहां पे मौका पे गई और इनका जो शव है उसे पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जा रहा है, जिससे कि हमें मृत्यु के एग्जैक्ट कारणों के बारे में पता चल सके, और जैसे ही पोस्टमार्टम में कॉज ऑफ डेथ क्लियर होगा तो अग्रिम कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल ऊना। चंबा सदर के विधायक BK चौहान ने जिले के दुर्गम क्षेत्र चौकी में चौकी घरमाणी सड़क का उद्घाटन किया। इस सड़क के बनने से वहां बैली, घरमाणी और चौकी गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। विधायक बीके चौहान ने इसके बाद घरमाणी माध्यमिक पाठशाला के स्वर्णत समारोह में भी भाग लिया। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। जो यहाँ पर घरमाणी प्राइमरी स्कूल का दर्जा 8वीं तक हुआ है उसके लिए बधाई देता हूँ, और उसके साथ साथ जो अरसे से आपकी मांग थी के घरमाणी तक खास करके इस स्थान तक जो है वो बस सेवा एक्सटेंड की जाए, उसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ कि अब बस जो है जो प्रॉपर घरमाणी गांव है उससे 800 मीटर पीछे रह गई है। हमारी योजना है कि इसके ऊपर जो कल्डबई गांव है उसका भी सर्वे हो गया है, और इस कंजर्वेशन एक्ट में एक अनुमति लेनी पड़ती है PWD डिपार्टमेंट को कि इस रास्ते पर आप सड़क बना सकते हैं। उसकी प्रक्रिया है, जो ही वो प्रक्रिया पूर्ण होती है और FCA मिलती है, फॉरेस्ट की क्लियरेंस फॉरेस्ट की इजाज़त मिलती है, तो इसका काम भी बहुत शीघ्र शुरू किया जाएगा। आंगनबाड़ी वर्करों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य ग्रामीण महिलाओं के लिए नाहन में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें पानी की गुणवत्ता जांचने और इसे शुद्ध करने के गुर सिखाए गए। स्रोत वक्ति डॉक्टर बलबीर शर्मा ने बताया कि सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग अगले अलग अलग चरणों में सिरमौर जिले की सभी पंचायतों में महिलाओं को जल गुणवत्ता परखने की जानकारी देगा, ताकि स्वच्छ पेयजल के प्रति लोग और जागरूक हो सकें। ये 2 दिन की कार्यशाला है जिसमें हमारे पंचायत में काम करने वाले PRIs और आंगनवाड़ी वर्कर्स और साथ साथ जो है जो हमारे पंचायत में महिला मंडल है और स्वयं सहायता समूह है, इनके सदस्यों को जो है जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी कार्यक्रम के तहत जो है जानकारी दी जाती है। इसमें आमतौर पे जो है 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं। पहला है कि जल गुणवत्ता को कैसे जो है लोगों को बताया जाए कि पानी की गुणवत्ता क्या है और कौन कौन से पानी में गुण होने चाहिए,
और उन गुणों को ध्यान में रखते हुए उनकी परख कैसे करनी है, जिसके लिए हम लोग जो है फील्ड टेस्टिंग किट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद जो भी हमारे जल स्रोत है उनमें जो उपस्थित पानी है वो गुणवत्तापूर्ण हो, उसकी जानकारी जो है हम लोगों को देते हैं। और कैसे जोखिम जो है पानी के स्रोतों का आकलन किया जाना है उसके बारे में भी टूल्स के माध्यम से जो है जानकारी प्रदान करते हैं। राजधानी के रिपन अस्पताल में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने पर शिमला नागरिक सभा विफल पड़ी। नागरिक सभा ने सोमवार को रिपन अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया। नागरिक सभा का आरोप है कि अस्पताल में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही और मरीजों को टेस्ट करवाने के लिए निजी क्लिनिकों में भेजा जा रहा है। निजी क्लिनिकों में टेस्ट के मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। शिमला नागरिक सभा के प्रवक्ता विजेंद्र मेहरा ने कहा कि अस्पताल प्रशासन स्वास्थ्य सेवाओं का निजीकरण कर रहा है। ये जो प्रदर्शन हम रिपन अस्पताल के बाहर कर रहे हैं ये इस बात को लेकर है कि रिपन अस्पताल को एक तरह से जो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो लगातार चरमरा रही हैं और आए दिन हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी बेहतर होने के बजाय लगातार यहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ रही हैं। जिस तरीके से हम पिछले एक महीने से देख रहे हैं कि रिपन अस्पताल के अंदर जो नॉर्मल टेस्ट जो है, रूटीन टेस्ट हैं या जो ऑटो एनालाइजर में होने वाले टेस्ट हैं, चाहे वो शुगर जैसा टेस्ट हो, प्रोटीन का हो, यूरिक एसिड जैसे टेस्ट हो या स्टूल जैसे टेस्ट हो, वो नहीं हो पा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो इस अस्पताल को बेचने की जो साजिशें सरकार के द्वारा रखी जा रही हैं कि यहाँ पर पहले सिटी स्कैन की सुविधा नहीं थी, जब यहाँ पर सिटी स्कैन की सुविधा करने की कोशिश की गई तो उसको ठेकेदार के हाथों दे दिया गया। विधानसभा चुनावों को देखते हुए चंबा जिला में बीजेपी बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। प्रकोष्ठ के जिला संयोजक डी के सोनी ने कहा कि बीजेपी के मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए प्रकोष्ठ पूरी भागीदारी निभाएगा। धूमल सरकार भी कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाया जाएगा। भाजपा सरकार की नीतियाँ व कार्यक्रमों को जन जन तक पहुँचाने हेतु जन जागरण अभियान शुरू किया हुआ है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा सरकार जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी कर रहे हैं कि 4.5 साल में किए गए कार्यक्रमों व योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। खबरों के सफर को यहां रोकते हुए आइए आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। इसी के साथ समय हो चला आप सबसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। हमीरपुर में गरजेंगे कांग्रेस के दिग्गज, सत्ता परिवर्तन रैली के आखिरी चरण में 5 जुलाई को एक मंच पर दिखेंगे सभी नेता। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कुल्लू में राहुल गांधी ने प्रदेश कांग्रेस नेताओं को दिए चुनावी टिप्स, मंगलवार को जिला व पंचायत पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे राहुल। ऊना में अवैध वाहनों पर कसा शिकंजा, ओवरलोडिंग करने वाले 2 दर्जन वाहनों के काटे चालान। चंबा के विधायक बीके चौहान ने किया चौके घरमाणी सड़क का उद्घाटन, साथ ही सुनी ग्रामीणों की समस्याएं भी। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए 7C और मुझे यानी कि नीरू बिजलवान को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2, फोन नंबर 0981690120001772629411। हमारा ईमेल आईडी है हिमाचल आजकल @gmail.com।